Subhanallah, hamdan lillah, wa la ilaha illallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Nazreen, assalamu alaikum. Aap hazrat hamara dars e tajweed e quran mulaza farma rahe hain. Aaj hum dars e tajweed mein aapke samne arz karenge, hum jab quran padhte hain to quran ke padhne mein kahin to likha hota hai, kahin jim likha hota hai, ayat ke darmiyan kahin meem hota hai, kahin ra alif hota hai, kahin nukte bane hote hain. Theek hai, ye kya hai, ये है क्या चीज़? असल में देखिए, हम जब कुरान पढ़ते हैं तो कुरान हमारी ज़बान तो है नहीं, हम समझते नहीं कि कुरान में हम क्या पढ़ रहे हैं. लिहाजा जब नहीं समझते हैं तो रुकने की बिना के ऊपर मानी तब्दील हो जाते हैं. जैसे मसलन मैं रुकूं, बहुत मिसाल मशहूर है, रोको मत जाने दो, कि अगर हम यहाँ पर रोको पर कॉमा लगाएंगे, रोको मत जाने दो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रोकना है, ठीक है. लेकिन अगर हम कॉमा यहाँ के बजाय कहाँ लगाएं, रोको मत जाने दो, इसका मतलब क्या है? जाना. तो कॉमा लगाना, अगर हम रोको पर कॉमा लगाते हैं, रोको मत जाने दो, इसका मतलब क्या है? उसको रोकना है. अगर हम मत पर कॉमा लगाते हैं, रोको मत जाने दो, इसका मतलब जाना. तो माने यहाँ पर कॉमा लगाए तो माने और हैं, यहाँ पर कॉमा लगाए तो माने और हैं, बदल जाते हैं. इसी तरीके से अरबी में भी है कि हम अगर सही जगह नहीं रुकेंगे तो मानी तब्दील हो जाएंगे. तो चूंकि हमको अरबी नहीं आती है, इसलिए उलमाए तजवीद ने कुछ अलामतें बनाई हैं ताकि हम सही तरीके से कुरान में रुकें और मानी की तहरीफ का शिकार ना हो और मानी तब्दील ना होने पाए. लेकिन इन तमाम चीज़ों में, मसलन ता है, जीम है, मीम है, लाम अलिफ, इन तमाम चीज़ों में जो अहम चीज़ें मैं आपको मैं अर्ज़ करूँगा, सबसे अहम क्या चीज़, सबसे पहली बात तो यह कि हम आयत पढ़ रहे हैं कुरान की, बीच बीच में क्या है, आयत नंबर आता है, 1, 2, ये आयतें आती हैं. ओके, यहाँ पे आयतें आती हैं. पहली बात तो ये कि कुछ अलामतें आयत के ऊपर होती हैं. मसलन यहाँ पे लाम अलिफ बना हुआ है, यहाँ मीम बना हुआ है, तो इसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आयत के ऊपर अलामत बनी हुई है, लिखा हुआ है, तो उसको टेंशन लेनी होती है. जहाँ पर आयत है वहाँ पर आप रुक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन सबसे अहम चीज़ है क्या, एक है लाम अलिफ और एक है मीम. इन दोनों को बहुत ध्यान रखिए आप. अगर कहीं आयत के दरमियान में मीम इस तरीके से लिखा हुआ अलामत बनी हुई है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वक्फ लाजिम है, यानी यहाँ ठहरना ज़रूरी है, नहीं ठहरेंगे तो मानी बदल जाएंगे. इसी तरीके से अगर कहीं आयत के दरमियान लाम अलिफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर नहीं ठहरना है, अगर ठहरेंगे तो मानी बदल जाएंगे. बकिया आए अलामतों में क्या है, कहीं रुकना जायज़ है, कहीं वक्फ मुतलक है, कहीं रुकना बेहतर है, कहीं न रुकना बेहतर है. लेकिन अगर आयत के दरमियान कहीं मीम लिखा हुआ है तो वहाँ पे वक्फ करना ज़रूरी है, भाई वक्फ नहीं करेंगे तो मानी तब्दील हो जाएंगे. इस तरह से अगर लाम अलिफ लिखा हुआ है आयत के दरमियान, आयत पर तो मसला नहीं है लेकिन आयत के दरमियान है, तो फिर आपको वहाँ ठहरना ज़रूरी है, नहीं ठहरेंगे तो मानी तब्दील हो जाएंगे. एक चीज़ और है जो तीन नुक्ते की बात है. ये तीन नुक्ते जहाँ होते हैं दो मरतबा होते हैं, मतलब आयत में एक मरतबा यहाँ आया, एक मरतबा यहाँ आया. इसका मतलब ये होता है कि इनमें से, इन दोनों में से एक जगह वक्फ करना ज़रूरी है. अगर आप यहाँ ठहर रहे हैं तो यहाँ नहीं ठहरिए, यहाँ ठहर रहे हैं तो यहाँ नहीं ठहरिए, बस इसका मतलब सिर्फ इतना होता है. लिहाजा हम जब कुरान की तिलावत करें तो सबसे पहली बात मैं फिर अर्ज़ करूँ आपके सामने कि कुरान को बहुत फास्ट पढ़ने का कहीं अवार्ड नहीं है, कुरान को अच्छा पढ़ने का अवार्ड है, कुरान को अच्छा पढ़ने का अच्छा है. लिहाजा कुरान को ठहर ठहर के पढ़िए, समझ के पढ़िए, सुकून से पढ़िए, सांस ले ले के पढ़िए, बहुत फास्ट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुरान अल्लाह की किताब है. और ख़ास तौर से नमाज में जितना हो सके ठहर ठहर के अलहम्द का सूरा, इन्ना तैना का सूरा, कुलहल्ला का सूरा आप पढ़िए, ताकि नमाज के अंदर आपकी क्वालिटी पैदा हो. रुकू में जाइए, सज्दे में जाइए तो आयन सुबहान रब्बियल आला व बिहम्द आला, हम लोग क्या आला कहते हैं, आला गलत है, क्या है, आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम, इन तमाम चीज़ों की रियायत कीजिए. बेहतर से बेहतर नमाज पढ़िए, बेहतर से बेहतर अल्लाह के बारगाह में अपनी नमाज का तोहफ़ा पेश करने की कोशिश कीजिए.
امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات ہماری درس تجوید سے استفادہ کریں گے، اپنی نمازوں میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی قرآت کو اچھی کرنے کی کوشش کریں گے، بہتر سے بہتر قرآن اور نماز پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پالنے والے، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر۔ اے وہ ذات جو تھوڑے سے عمل کو قبول کرنے والی ہے اور بہت سے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، ہمارے تھوڑے سے عمل کو قبول فرما، ہمارے بہت سے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ جو لوگ بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں ان سب کو، ان کی سب کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے اچھے کمنٹس میں کو نوازیے تاکہ ہم اپنے پروگرام میں بہتری پیدا کر سکیں۔ خدا دعا پالنے والے ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔